हाय, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपकी यात्रा की सारी दर्शन कराऊंगा और ये हमारा यात्रा का पहला दिन है। आज सुबह 7 बजे जब हम जम्मू उतरे तो यहाँ आके हमने एक गाड़ी की, ट्रेवल्स के द्वारा यहाँ गाड़ी होती है जिसका प्राइस लमसम 30,000 के बी से शुरू होता है और हम 30,000 के लमसम जाता है। और हम आपको बताते हैं कि ये मार्केट है, यहाँ का है, देख सकते हो आप पीछे खड़े हैं, अच्छा एरिया से इधर भी इधर भी इधर। ये हमारे भाई हैं प्रांशु दुबे, ये हमारे भाई सब भाई, ये हमारी बस रेडी हो चुकी है, बोले क्या बोले कि हमारे बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले, ये सारे बम बम के नारे लगाते हुए और मिलाते ही इटावा की एक टीम और आई हुई है। ये हमारी इटावा की टीम है, यहाँ अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, गाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं सारे इटावा के बंदे। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे प्रिय मित्र और सखा श्री धर्मेंद्र जी से, जो हमारे मामा जी हैं, अंदर से मुलक रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, अब आपको अंदर दिखाते हैं, नजारा देख सकते हैं, सभी लोग भोले के रंग में रंगे हुए हैं। बोलो जय भोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम। अब आपको एक आदमी से पर्चा कराते हैं, गोविंद सर। ये हमारे गोविंद जी, गोविंद जी कुछ कहना चाहेंगे अपनी यात्रा के बारे में? आप यात्रा कर रहे हैं डाबा से यहाँ आए हैं, बोलने के लिए बोलेंगे। रानू भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी यात्रा के बारे में? हमारी यात्रा कुशल मंगल हो, कुशल मंगल हो। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा कुशल मंगल हो, मतलब किसी और की नहीं हो। ये ऐसे बंदे हैं, ये हमारे दो बंदे बैठे हुए। भैया आप बताएंगे कुछ यात्रा के बारे में? सब बढ़िया, चलिए आप बताइएगा। अशोक जी आए हुए, अरे पहले आपको मैं पर्चे करा दूँ। ये हमारे अशोक जी हैं, इन्होंने सभी की खाने की व्यवस्था की थी, बढ़िया पनीर। और आप बताएंगे किस बारे यात्रा के बारे में बोलेंगे? अच्छी बात है, बहुत प्यार से बोले। हम चलेंगे विजय भाई के पास। जो भी देख रहा है वो दोबारा फिर आए। सभी दबा के शेयर करें, अमरनाथ यात्रा का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। आप बोले कुछ बोलेंगे धर्मेंद्र जी? परमिशन मिल गई आगे जाने की, और काफी देर करीब 2 घंटे लग गए थे, हम यहाँ मिले रहे, बैठे रहे। आगे की देखते हैं क्या स्थिति है, आगे की जो भी यात्रा होगी जो आपको बताएंगे। अभी हम आपको नज़ारा दिखा सकते हैं, आगे नज़ारा दिखाते हैं। पहाड़ है यहाँ आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर से पहाड़ है, हमारी पूरी बस है। यहाँ भी देखो नज़ारे चालू हो गए, फ्रेंड्स हम आज फिर ऑनलाइन है, देख सकते हो 2 दिन से हम लोग यहीं श्री उधमपुर में डले हुए हैं। बोले कि दरबार के भी रास्ता खुली नहीं है, अभी पूछना बताते हैं आपको। देखो विजय जी बताएंगे, बताइए विजय जी 2 दिन का आपको कैसा एहसास रहा, खराब मौसम क्या? मज़ा आया, बहुत मस्ती आई है, 2 दिन और रुकना चाहते आप? बोले देखिए सारे लोग परेशान हैं, आप भी देख सकते हैं ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बेचारे 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, कोई 4 दिन से, कोई 8 दिन से। भैया से पूछते हैं, भैया आप यहाँ कितने दिनों से रुके हुए? 2 दिनों से। आपको जाना है या आकर के आ रहे हो? नहीं जाना है, अभी जाना है आपको। तो देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम से है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोले बुलाएंगे तब तक रुकेंगे, सब यात्रा करके आएंगे, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। दादा आप कहाँ से आए? बोले आप दर्शन करके आए? जी हाँ। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम? हाँ। कितने दिन लगे आपको दर्शन करने में? 2 दिन होते हैं वहाँ पर। कितने दिन? 2 दिन। बाकी सब ठीक है? पहलगाँव से होते हैं या बालटाल से? बालटाल। जय बोले। चलिए आपको बोले बोले कर बोले सर, अभी क्लियर नहीं है, आज भी वहाँ पे यात्रा ब्लॉक कर दी गई है, वहाँ पे 2 पुल ऑलरेडी डैमेज हैं और पहाड़ों से जो है डैमेज हो रहा है। सुन सकते हैं भैया बता रहे हैं कि अभी भी वहाँ डैमेज है और पानी का डर है, बारिश अभी भी है। आप लोग कहाँ से भैया? हम लोग यूपी संडोस से। मैं इटावा से हूँ, मैं भी यूपी से हूँ, एक ही क्षेत्र के हम लोग। ठीक है, हम सभी लोग एक क्षेत्र के हुए हैं। ये भैया कन्नौज से हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, हम लोग मिलते हैं भैया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय बोले की, जय बोले।
हमारे टीम से ठेकेदार अब आप बताइए यात्रा के बारे में कुछ करना मिला। आप अरे एक महीने के टूर पे आए हैं, एक महीना आएंगे। आप कुछ बोलेंगे? हम लोग जिस भंडार में रुके हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छी लोगों की मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। भगवान शिवशंकर वगैरह की झांकियाँ दिखाई जा रही है। आपको कुछ देर में बच्चे दिखाने जाएंगे। लाइट चालू होने वाला है। शिव कावड़ मोहन मंडल दिल्ली 101 रुपए से इन कलाकारों का मान सम्मान कर लिया। मैं फिर ऑनलाइन हूँ और आपको बता दूँ कि आज फिर वही समस्या है। हम लोग सुबह 3 बजे चले थे टीकरी से और आज बड़ा उत्साह था कि शायद आज बाबा के दर्शन हो। टीकरी से चले 3 बजे सुबह, मेरे ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, लमसम 150 किलोमीटर खींचा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम सभी लोग राम वन में फिर से रुक गए हैं, राम वन में फिर से रुके हुए हैं और आपको दिखाएंगे ये राम वन के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी चलो आपको रूबरू कराते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है भाइयों, योगी जी की पत्नी अपनाओ, जहाँ पर जगह मिले आसन जमाओ, असली यात्रा जिसमें परेशानी ना हो। अब आप बताइए, आप सुबह 3 बजे वहाँ से निकले, आपने मन में क्या विचार किया था कि आज दर्शन हो जाएंगे? आज हमने ये सोचा था कि परेशानी जाएंगे, और परेशानी। अब क्या समझ में आ रहा है जब आपको यहाँ रोका गया? अब तो तारीख पे तारीख मिल रही है और क्या है। चलो कहीं अपने अलावा किसी और से पूछते हैं, अपने ग्रुप के अलावा तो आपको मिलाते हैं, ये हमारे ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप के बंदे हैं। भैया आप सुबह कितने बजे वहाँ से टिकरी छोड़े गए थे? क्या सर, आप अभी इससे पहले कहाँ रुके थे? हम रुके थे सर कटरा के पास में। हाँ टिकरी वहाँ मैं भी रुका था। तो अब वहाँ से जब सुबह 3 बजे छोड़े गए तो आपको लगा था कि आज दर्शन होंगे या नहीं? नहीं लगा तो नहीं है भाई साहब, दर्शन होंगे। अभी आप कहाँ रुक दिए गए? रामबन में रुक दिए। अब 2-3 दिन का स्टे होगा। बिल्कुल, क्या करें, बाबा से कुछ तो बोलो। क्या बोले बाबा, जब बाबा बुलाएगा तब चले जाएंगे। चलिए ठीक है भैया, पूछे भैया सेल्फी ले रहे हैं, देख सकते हो। भैया आपको कैसे महसूस हो रहा है दोबारा रोका गया? आपको यहाँ दोबारा रोका गया कैसे महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। भैया कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रुक के अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे ही लगता रहेगा। अच्छा सर आप बताएंगे कुछ, आपको 3 बजे वहाँ से छोड़ा गया, यहाँ दोबारा रुक लिया गया, अच्छा लग रहा है या मुश्किल हो रहा है? वो अपनी सेफ्टी के लिए जी बंदे ने सही बोला, सही बात है। जो हम लोगों को रोका जा रहा है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सेफ्टी है, हमारी जान के खातिर वो लोग पेंशन ले रहे हैं और हमें यहाँ रोक रहे हैं। सही बात ये है कि हम 2 दिन टीकरी रहे, भंडारे में सारी व्यवस्थाएँ की गई, बोलने बैठने की खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, आपको कोई दिक्कत हुई? अब यहाँ का देखते हैं क्या कैसा है, बस जैसा भी है एडजस्ट करेंगे क्योंकि हम दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। आप दर्शन करके
मान लो अगर 10 दिन यहाँ रोका गया आपको तो फिर आप क्या करेंगे? मिलवाते हैं एक बंदे और से, तो वो किसी दूसरे से हैं, आपको मिलवाते हैं अभी। यहाँ हम लोग ठीकरी के पास बन रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से भैया? मुझे आप दर्शन करने आए हैं, गाड़ी लेके हैं? गाड़ी लेके। अच्छा, आप ड्राइवर साहब हैं। तो अभी आपको कुछ पता है कितने दिन को हमें यहाँ रुका दिया? दो दिन के लिए बोल रहे हैं, यही सारी व्यवस्था है। अच्छा, कोई वहाँ दिक्कत हुई थी? चलिए, आगे दर्शन अगर मान लो 10 दिन और ना हो तो क्या रुकेंगे या चले जाएंगे? मतलब बाबा के दर्शन करके जाएंगे? ये सभी लोग बता रहे हैं, एक बार सब लोग बोल दो जय बोलेगी, जय बोलेगी। चलिए, अब आपको आगे लोगों से रूबरू कराते हैं। हमारा लाइव चैनल चल रहा है, इस बार मैंने आपको पूरी यात्रा के दर्शन कराए। एक हमारे रक्षक हैं, थोड़ा आप उनसे इंटरव्यू आपको लेके दिखाते हैं। 10 दिन से मैं परमानेंट यात्रा का लाइव दिखा रहा हूँ। सर, आप हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, एक जानकारी लेंगे। आप यहाँ 2-2 दिन के लिए रुकते हैं तो ये हमारी सुरक्षा है या कोई और प्रॉब्लम है? ये आपकी सुरक्षा के लिए रुका जाता है। और जैसे अभी आज रुका गया है, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए? कल भेज दिया जाएगा। कल आगे कोई प्रॉब्लम है? आगे प्रॉब्लम है कि थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं। भैया, आप कहाँ से हैं? अमृतसर से। अमृतसर से आप कितने दिनों से यहाँ आए हुए हैं? कैसे क्या दिक्कत हुई आपको? हम आए हुए हैं 3 तारीख से। अच्छा, कब से? पहले भगवती कैंप पे थे हम, भगवती कैंप में 2-3 दिन में आए हैं, फिर हम कटरे गए हैं, कटरे से भी आ गए हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन ये सभी श्रद्धालु जो हैं इन्हें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दर्शन करके ही जाएंगे चाहे कितने भी दिन लगे। अभी तक बोले, अभी तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये बोला कि मैं टूट चुका हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा वगैरह वगैरह। सभी मेरे को यही मिले कि मैं यहाँ से जाऊँगा, दर्शन करके ही जाऊँगा। चलिए, मिलता हूँ। रुके हुए सब लोग मस्ती का मज़ा ले रहे हैं, ये हमारे दद्दा हैं, इन्हीं की कृपा से हम सब लोग यहाँ आते हैं। और पूरी हमारी टीम, आप देख सकते हैं कैसे पानी का लुत्फ आ रहा है। ये हमारे काली बाबा की जय। विजय भैया है ये, और यहाँ देखिए लोग सेल्फी, लेडीज जेंट्स सभी लोग नहा रहे हैं। प्रांतु भाई, आप भी नंगे नंगे क्यों नहा रहे हैं? अरे नहाने में मजा ही कुछ अलग है यार। आज मतलब दिखाने जा रहे हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अमरनाथ के भंडारे में हम सुबह यहाँ रुके थे, मैंने आपको बताया था। अब वो यहाँ हम सभी लोग खुद ही सेवा कर रहे हैं, अपनी सारी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। हमारे भाई है यहाँ सेवा कर रहे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी भी सभी कर रहे हैं यहाँ तैयारियाँ। देख सकते हैं कैसे लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। अमरनाथ यात्रा जो भी है सब चल रहा है ठीक ठाक है। रमन जी, ये भैया भी दूर से आए हुए हैं, देखिए आटा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जी कहते हैं सेवा करते हुए जरूरी है। बाकी आगे पीछे आ रहे हैं कुछ अधिकारी, कुछ लोग वगैरह, मेरे पीछे कुछ अधिकारी आए हुए हैं, कोई शायद ऑर्डर दे तो कुछ भी आगे पता चलेगा कल कब चलना है। 2 दिन का स्टे बताया गया यहाँ। अब 2 दिन क्या होता है, 2 दिन वहाँ रुके थे, 2 दिन यहाँ, इतने आगे कैसे कब दर्शन होते हैं बाबा के? बाकी हम करके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो। हाय गाइस, हाय, बेलगांव यात्रा चालू। हम लोग पहुँच गए हैं अपने लास्ट पड़ाव पर, बस बाबा के दर्शन ही होना बाकी है। अब उसमें लगेंगे 3 दिन। एवरीबॉडी, इस वक्त टाइम हो रहा है 1:56। आओ, हमने सुबह लमसम, हाँ, सुबह 10 बजे चालू की थी यात्रा पहलगाम आया चंदनवाड़ी से। पहलगाम तक हम बाइक गाड़ी से आए थे, इनोवा से। और आज हम इस समय हम सबसे कठिन चढ़ाई पिस्सू टॉप की कर चुके हैं और हम भंडारे में आ चुके हैं। अब हम आगे का पड़ाव पूरा करेंगे।
यहाँ से शेषनाग के लिए आपको मिलवाते हमारे भंडारे के संस्थापक जो भी हैं मंडल जी, मंडल जी बोलिए ना, भंडारे में, भंडारे में आप, भंडारे में अब हमें कितना आगे चलना है? यहाँ से 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। हाँ जी। और आगे जो रोड ऊपर नीचे या सीधे सीधे है? प्लेन ऊपर प्लेन है। हाँ जी। आगे कम दिक्कत होगी? हाँ। तो दादा के कहने से हम आगे की चढ़ाई कम दिक्कत होगी और आराम से चढ़ाई चढ़ लेंगे। चलो जय बोले की भंडारा दिखाते सब लोगों को। ये महाराज जब हम अभी आगे जाएंगे, कितना और रास्ता है अभी तक? अभी यहाँ से 28 किलोमीटर और रह गया भवन, इसके बाद अगला स्टे पॉइंट जे जोजीपाल है जो 2 किलोमीटर बाद है, उसके बाद शेषनाग 6 किलोमीटर आगे। शाम तक हम शेषनाग पहुँच जाएंगे? हाँ जी पहुँच जाएंगे। 8 किलोमीटर आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। जय बोले भैया के साथ 3 घंटे में हम शेषनाग पहुँच जाएंगे। शिव शक्ति सेवा दिल्ली भंडारे में है आपका, यहाँ मोस्ट वेलकम है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सारे इसको लाइक करें, बड़ी मुश्किल से तो नेट ला पाए हैं, नेट चल रहा है बहुत कुछ किया तब, तो प्लीज़ हमारे सारे दर्शक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आई लव माय फ्रेंड्स। जय बोले की हम लोग इस समय हैं, जय बोले की यात्रा पे, हम लोग यात्रा पे आ चुके हैं लमसम। भैया कितना चल चुके हैं हम लोग? 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, कुछ देर में हम लोग शेषनाग पहुँचेंगे, वहीं विश्राम होगा हमारा, नाइट हेल्ट होगा, सुबह यात्रा चालू करेंगे, फिर गुफा कल पहुँचेंगे, कल बाबा के दर्शन होंगे, गुफा पहुँचेंगे और पहुँचे दर्शन। हाँ कल जरूर करेंगे यहाँ के नज़ारे। हाँ बोलो, बैग मारेंगे पंचतरणी तक, पंचतरणी कल बैग भी मारेंगे। ये हमारे टीम लीडर हैं श्री विजय जी, जो कि इटावा में एक बहुत बड़ी कैटरिंग का काम चलाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का कैटरिंग का काम है। ये हमारी पूरी टीम है आप देख सकते हैं, और नज़ारे अब हम आपको दिखाते हैं कश्मीर की बात। बोलो जय भोले की। लगभग कुछ ही दूर रह गया है हमारा शेषनाग, 3 किलो या 3.25 किलोमीटर, और हम एक सुंदर से झरने का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा प्राकृतिक नज़ारा है ये। ये हमारे भैया बड़े भैया जी हैं श्री काली चरण जी, शिव चरण जी, नरेंद्र चरण जी, बहुत प्यार से हम लोग अब आगे वीडियो बनाते चले। क्या बनाना है उसका बनाना तो उनका, ये फोटो मेरे व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ। वीडियो 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 बनते हुए दिख रहे। जय बोले कि सब लोग प्यार से बोलो जय बोले कि। ये देखो ऊपर आप देख सकते हो मेरे पीछे बर्फ जमी हुई है, थोड़ा पीछे बर्फ है, बर्फ और ये देखो बर्फ दिख रही है, ये नीचे बहुत भयंकर नदी का तूफान तूफान वो देखो, ये सब माता की प्रकृति कृपा है भैया की, और हम आगे का समाचार देते रहे। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने, अभी आपको दर्शन करा रहे हैं शेषनाग झील के, देख सकते हैं बादल कितने पास है हमारे, यहाँ देखिए वादियों में बर्फ, बहुत दूर दूर से आए हुए हमारे भाई, अभी उन्होंने की हेल्प की। जय बोले हमारे भाई सभी लोग बाहर से, एक हमारे मित्र हैं हमारे साथ आए हुए हैं, और बहाव इतना तेज है कि शायद हम 1 सेकंड नहीं खड़े हो पाएंगे यहाँ, तो धोखे करके कभी इसके नीचे मत जाएं, इसका नज़ारा सिर्फ दूर से देखें। ये वादियाँ हैं सारी यहाँ की। जय बोले। हम लोग इस समय पोस्ट पत्री पहुंच चुके हैं, और ये हमारे धर्मेंद्र जी हैं, थक गए सबके साथ, ये हमारे बड़े भैया हैं, अभी आगे का रास्ता है, देखते हैं चलिए आगे के रास्ते पे। यहाँ तक सारे कदम हो चुके हैं, पूरा किया है 2200 रुपये में, खाना नहीं खाने दिया है तो कमजोरी से आ रही है, अंदर से कमजोरी है, घोड़े वगैरह निकल रहे हैं, अब हिम्मत नहीं पड़ रही है। दोस्तों
हम इस समय पंचतरणी भी आ चुके हैं। आप देख रहे हो कि मेरे सामने हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। पहलगांव से जो हेलीकॉप्टर आपको लेके चलता है वो यहाँ उतार देता है पंचतरणी पे। यहाँ पंचतरणी पे उतार देता है वो। एक दो तीन चार, चार हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। एक रेड वाइट है, एक येलो एंड रेड है, एक फिर रेड एंड वाइट है, और एक भगवा कलर का है। चार हेलीकॉप्टर मेरे सामने उतरे हुए हैं। यहाँ कैंप है बहुत सारे, ये सब कैंप में रहने वाले हैं। यहाँ के आप बताते हो वेलकम से वाला रवाना होगा। आगे की यात्रा यहीं से, यहाँ से आगे के लिए चलती है गुफा के लिए। कितने बट हमने घोड़े से और पैदल यात्रा की है यार। हाल उतर जाता, हाल उड़ जाता, बोल भी गया कीड़ा वाला उतरा। और यहाँ पे तुरंत तुरंत सारे काम है, आराम से आप देख सकते हो। वहाँ से वो उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, घूम के राउंड लेके सीधा होके फिर वापस। हम लोग बाइटल वो पहल मतलब कुछ ही दूर रह गए गुफा से, और यहाँ देख सकते हो कैसे बर्फ पे चल रहे हैं हम सभी लोग। सारी बर्फ बर्फ है यहाँ सब, लोगों नाइट हेल्थ वगैरह वगैरह करता है। तो भैया आप लोग रात में भी रुकाते हैं यहाँ पे? यहाँ ही सारी व्यवस्था हो जाती है मंदिर की दुकान। बावन नंबर दुकान और हम घोड़े पे चल रहे हैं। ये घोड़ा हमारा पीछे वाले, पीछे वाले ठीक है बोले जी। सामने गुफा आप लोग देख सकते हो। हम लोग अब नहा धो के गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ में सामने हमारी गुफा है और यहीं में भोलेनाथ के दर्शन होंगे बहुत। उसके बाद ये बम बोले की जैकेट पहने सभी लोग। जीता हूँ शान से तेरे नाम से, महाकाल तेरे नाम से। जीता हूँ तेरे शान से, महाकाल तेरे नाम से। बोल बोले अमरनाथ बाबा की जय। बोल अमरनाथ परवानी की जय। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। बहुत सारी भीड़, बहुत सारी दुकानें, मेला जैसा लगा हुआ है यहाँ। जहाँ व्यवस्था ना रहने की वहाँ भी व्यवस्था है। ये लोग कम्बल अम्बल बर्फ पे बिछा के पूरी सेटिंग करते हैं। यहाँ जूतों की हालत बहुत खस्ता हो जाती है। और ये देखो 22वां विशाल भंडारा और नाथ जी का पवित्र गुफा आर्य के सेवक भक्तों की तरफ से वगैरह वगैरह। एक भक्त हमारा बार बार पीछे मिल जाता है। जय बोले सभी लोग। देख ले मैं बालाल काल के एकदम तैयार होके आए हैं। महाकाल हूँ, भक्त हूँ महाकाल का। अरे फोटो 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 वीडियो। हाँ बोले जय बोले। हम दर्शन करके लौट आए हैं। वहाँ अमरनाथ बर्फानी गुफा है। इस गेट के अंदर जाने नहीं देते हैं मोबाइल। सब लोग जय बोले की। और आज अच्छे से दर्शन किए, लास्ट टाइम तक बिल्कुल अपना हौसला नहीं तोड़ा। आप पीछे गुफा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे जोश के साथ हमने दर्शन किए। बोले बम 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 बम। और यही हमारे गुफा के लास्ट दर्शन थे। ऊपर हमारी गुफा है, यही पॉइंट है। यहाँ के आगे मोबाइल वगैरह कैमरा नहीं जा पाता है, इसलिए हम आपको बाबा के दर्शन नहीं करा पाए। बाकी यहाँ तक आपको हमें दर्शन कराए। जय बोले।